इंडिया लोग बहुत अच्छा है। सही पकड़े हैं। ऐसा लग रहा है इंडिया में? बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया में आपको कैसा लग रहा है? यहाँ के लोग कैसे हैं? इंडिया के, इंडिया लोग बहुत अच्छा है, हर लोग बहुत अच्छा बात करे। तो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि अफगानिस्तान की लड़की अफगानिस्तान को छोड़ के भी इंडिया में आ गई है, तो उसका क्या रीजन रहा होगा इंडिया आने का, तो चलिए उसी से जानते हैं। क्या नाम है आपका? रुखसार। रुखसार, यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हो इंडिया में? टू इयर्स हो गए। yes. कैसा लग रहा है इंडिया में? बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया में अच्छा लग रहा है। आप किसके साथ, फैमिली के साथ रहते हो? यस। yes. फैमिली कौन कौन रहता है आपके साथ? पापा, मम्मी, सिस्टर, भैया। अच्छा, और यहाँ कहाँ पढ़ते हो? अब गनी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, क्या सिखाते हैं वहाँ पे? मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। हिंदी सिखाते हैं? नो। तो हिंदी कैसे सीखी आपने? मेरे एक कोर्स में है, उजू में पढ़ते हैं। अच्छा, हिंदी सिखाते हैं आपको। yes. इंडिया में आपको अच्छा लग रहा है? क्या क्या नया सीखने को मिला यहाँ? बहुत अच्छा इंसान है, प्यूपल हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप अपने मुल्क को छोड़कर कब आए अफगानिस्तान को? क्योंकि मेरा कब आए आप वहाँ से छोड़कर? टू ईयर्स हो गए आपने बताया। तो वहाँ से छोड़ के क्यों आए? क्योंकि वहाँ पर झगड़ा है और बहुत प्यूपल बात है उस। अच्छा, ओके। वहाँ पर आपके रिश्तेदार वगैरह रहते हैं? रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, फैमिली रहते हैं? रहते हैं। तो उनसे बात होती है आपकी? नहीं होती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वहाँ पे मम्मी और पापा उसकी इजाज़त नहीं देते। क्यों नहीं देते आपको इजाज़त? पता नहीं, नहीं देते। तो आपकी जो और फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनसे आपको याद नहीं आती उन लोगों की? बहुत याद करे और फेसबुक में तो अलग अलग बात में मैसेज करते और। अच्छा, फेसबुक के थ्रू उनसे जुड़ पाते हैं। अच्छा, इंडिया में आपको कैसा लग रहा है? यहाँ के लोग कैसे हैं? इंडिया के, इंडिया लोग बहुत अच्छा है, हर लोग बहुत अच्छा बात करे, इसलिए मुझे इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। यस। पाकिस्तान के बारे में आपका क्या कहना है? पाकिस्तान को जानते? पाकिस्तान के हालात वहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छा है। और सिर्फ मुझे ये बात है कि पाकिस्तान मुझे थोड़ा सा पसंद है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं हर बार पाकिस्तान तो जा रही है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम होती है उसको मैं नहीं बता सकते। वहाँ पर लड़कियाँ वगैरह, आपकी जो और भी लड़कियाँ दोस्त होंगी, सेफ है लड़कियों के लिए वो? हाँ। अफगानिस्तान सेफ है? हाँ। और पाकिस्तान? पाकिस्तान में थोड़ा सा सेफ है। सेफ है। हाँ। और इंडिया में? बहुत ज़्यादा। अच्छा, इंडिया ज़्यादा? हाँ। बहुत ज़्यादा सेफ है। हाँ। इंडिया में रहकर आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। और अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी से अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहें अपने देश के लिए, अपने लिए, वो क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ मोदी जी को कुछ बोलना चाहें कि हमारे मुल्क को सही करो, हमारे मुल्क में अच्छे से शांति आ जाए, वो क्या मैसेज होगा? मैं इतने दिन नहीं होगा मैं उसको मैसेज करे, और अगर मेरा प्रॉब्लम ये है, सिर्फ हमारी बहन वो 19 इयर्स ओल्ड है और वो बीमार है, उसको मैं सिर्फ हिम्मत पढ़ती हूँ, और अगर मैं डॉक्टर हूँ वही मैं उसकी मदद करूँगी। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? हाँ। और आप हमेशा यहीं रहना चाहेंगे, अपने देश जाना चाहेंगे? अगर मेरे देश में आज़ाद हुआ, मैं अफगानिस्तान दोबारा चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक, थैंक यू। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि अफगानिस्तान की एक लड़की भी अफगानिस्तान को छोड़ के भाई इंडिया आ गई है। अफगानिस्तान उसे भाई अच्छा नहीं लगता था, अफगानिस्तान में वो सेफ नहीं थी भाई, कोई भी लड़की भाई वहाँ की सेफ नहीं थी, और वहाँ पर भाई खुली इजाज़त नहीं दी जाती थी लड़कियों को कि तुम ऐसा कर लो भाई, आगे पढ़ लो, तो इसीलिए। और अफगानिस्तान में तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत बम बारूद होते थे भाई, बहुत बड़े बड़े धमाके होते थे, तो इसीलिए उस लड़की ने डिसीजन लिया कि मैं अब अफगानिस्तान में नहीं रहूँगी और मैं इंडिया में जाऊँगी, क्योंकि उसने बताया कि इंडिया में बहुत शांति है भाई, इंडिया इतना अच्छा देश है, इंडिया के लोग इतने अच्छे हैं भाई, मुझे जरा सा भी दूसरा फील नहीं होने देते, अकेली फील नहीं होना देते कि मैं अपने घर वालों से दूर आई हूँ, मुझे अकेली छोड़ दे भाई, इंडिया के लोग इतने पराए नहीं हैं भाई, मुझे अपनों की तरह ही रखते हैं, और इंडिया के लोग भी मुझे पढ़ाते हैं, आगे और भी पढ़ाएंगे भाई, तो इंडिया के लोग बड़े अच्छे हैं, इंडिया का रहन सहन, इंडिया के लोगों की बातें करना उसे बड़ा पसंद आया, तो भाई पसंद आए भी क्यों ना भाई, है ही इंडिया इतना अच्छा। और तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
तब तक के लिए जय श्री राम।